देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया शोक। चारधाम देवस्थान बोर्ड मामले में उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत, सुब्रमण्यम स्वामी को याचिका हाईकोर्ट से खारिज। सीएम आवास पर रेल विकास निगम के अधिकारियों की बैठक, सीएम रावत ने ली रेल लाइन निर्माण कार्यों की जानकारी। बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून में जर्जर भवन पर होगी कार्रवाई। शहर में 44 भवन जर्जर अवस्था में, भवनों के 15 दिन का नोटिस किया गया चस्पा। पिथौरागढ़ में जमीन धसकने से मची तबाही, शमशान में बदली इंसानों की बस्ती, मकान मलबे और गांव का विस्तार में हुआ तब्दील। और उत्तराखंड में आफत की बारिश, भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा, पहाड़ों से बहते सैलाब से परेशानियां। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। सीएम आवास में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से बोर्ड का गठन किया गया है। पिछले वर्ष 36 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए, आने वाले समय में इसमें बहुत वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक तरह से राज्य सरकार के निर्णय पर अपनी मोहर लगाई है। देहरादून में सीएम रावत ने चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। वहीं बोर्ड का गठन राज्य गठन के बाद सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम बताया है। सरकार का ये भी दावा है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था। बोर्ड के गठन सभी तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के हक पूरी तरह से सुरक्षित है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज उसको ओपन किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय के निर्णय पर सबको विश्वास होगा, सबको विश्वास करना चाहिए। अब तो सरकार और न्यायालय दोनों का निर्णय एक जैसा हो गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर उत्तराखंड में जमकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है। दरअसल बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत कर देहरादून में कोरोना पॉजिटिव मिले सैनिकों का खास ध्यान रखने की बात कही थी। साथ ही सीएम से कोरोना संक्रमित सैनिकों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अब विपक्षी पार्टी इससे मुद्दा बनाने लगी है और कोविड की रोकथाम को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और सरकार पर रोकथाम में करने में फेल होने के आरोप लगा रही है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार कर कोविड की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास करने का दावा कर रही है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की सियासत भले ही कोरोना वायरस इस दौर में सातवें आसमान पर पहुंच गई हो, बावजूद इसके उम्मीद की जानी चाहिए कि कोविड के रोकथाम पर सियासत ना हो और सामूहिक रूप से समाज के हर तबके को कोविड के इस वैश्विक महामारी के संकट काल से निपटने के लिए अपना हर संभव सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने करना शुरू तो कर दिया टेलीफोन, सिपाहियों का ख्याल रखना, अरे काय का ख्याल रखना भैया,
यहाँ लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, तुम्हारे कहने पे ख्याल रखेंगे और तुम्हारे कहने पे ख्याल रखेंगे तो उससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? हमारे जो सैनिक संक्रमित हुए हैं उनका ख्याल रखना तो हमारी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री को बताना पड़ रहा है, इसका मतलब मुख्यमंत्री निकम्मा है। देखिए कांग्रेस की ये बौखलाहट है, ये प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि वे पूरे देश की चिंता करते हैं और सैनिकों के प्रति जो उनका एक विशेष भाव है वो भी परिलक्षित हो रहा है। जहाँ तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई का सवाल है तो निश्चित तौर पर त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर ये लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी जा रही है। नैनीताल व्यापार मंडल के व्यापारियों ने राम सेवक सभा प्रांगण में एकत्रित होकर सरकार के शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने के फैसले का विरोध करते हुए निर्णय लिया है। नैनीताल व्यापार आगामी शनिवार और रविवार को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खुला रखेंगे। मल्लीताल व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन नेगी ने राज्य सरकार के फैसले को समझ से परे बताते हुए सरकार ने बिना व्यापारियों को विश्वास में लिए सप्ताह में दो दिन बाजार बंद कर दिया है, जबकि शराब की दुकानों को इस बंदी से मुक्त रखा गया है। और सामाजिक उस रीति नियमों के हिसाब से भी वो खड़ा नहीं है, और एंटी कोविड जो हमारा अभियान चला रहा है उसके भी वो उसके सफल आयोजन में भी वो बाधक सिद्ध हो रहा है। इसका कोई औचित्य व्यापारी महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि शराब की दुकान तथा अन्य कई चीजें ऐसी खुली हुई हैं जिसके माध्यम से कभी भी कोरोना फैल सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दिनेशपुर से है, जहां क्षेत्र के मुड़िया गांव में एक युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति के खेत में दवाई छिड़काने से मौत हो गई है। वहीं मृतक युवक की पत्नी का कहना है कि उनके पति धौलपुर गांव के एक किसान के यहां खेत में काम करने के लिए गए थे, जहां दवाई छिड़कने से उनको रिएक्शन हो गया था। किसान को कई बार सूचना दी लेकिन किसान ने ना तो अस्पताल लेकर गया और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का दिलासा दिया। पत्नी ने बताया कि अंतिम संस्कार भी आनन फानन में करा दिया गया और हमारी किसी भी प्रकार की बात नहीं सुनी गई क्योंकि वो पति की मौत की बात सदमे में थी। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मामले को रफा दफा कर दिया जा रहा है। रात को आए उनको मेरी उनका दिल घबरा रहा था, दिल घबरा के फिर 12 बजे उनको पलटी शुरू हो गई। हम उनको दवाई के लिए गए, डॉक्टर ने एक जगह दवाई दी दूसरी जगह मना कर दी। मेरे पति कहने लगे मेरी तबीयत जरा थोड़ी मुझे अब सही लगने लगी है। 5-4 बजे के बाद उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। कोविड 19 अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर NS बिस्ट अपने ही विभाग के अधिकारियों से खफा है। NS विस्ट गांधी के चिकित्सालय में स्वास्थ्य गृह पर बैठे हैं। दरअसल देहरादून के CMO डॉक्टर BC रमोला पर NS विस्ट ने आरोप लगाया है कि उन्होंने CMO ने अस्पताल के कई कर्मचारियों की CR खराब कर दी है। विस्ट ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाएगा वह इस तरह के स्वास्थ्य गृह करते रहेंगे। हालांकि निदेशक डॉक्टर SK गुप्ता के कहने पर बाद NS विस्ट ने अपना स्वास्थ्य गृह समाप्त कर दिया है और वहीं SK गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि विभाग द्वारा टीम का गठन किया गया है जो कि जांच पूरी करने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी लड़ाई कोविड-19 चल रहा है, कोविड का प्रकोप पूरे राज्य में फैला हुआ है, देश में फैला हुआ है, तो मेरी लड़ाई संवेदनहीनता के खिलाफ थी। हम एक वायरस से लड़ रहे हैं जो निर्मम है, तो फिर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ निर्ममता क्यों? उनकी ACR क्यों खराब करें? उनका क्यों दमन कर रहे हैं? उनको अस्पतालों में अवैध कब्जे डालकर क्यों परेशान किया जा रहा है? बार बार उच्चाधिकारियों से बात होने के बावजूद मेरी बात नहीं सुनी गई। बद्री केदारनाथ मंदिर समेत 51 नए दूसरे मजदूरों को देवस्थानम बोर्ड में शामिल करने के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। बता दें सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी जिसमें स्वामी ने देवस्थानम बोर्ड को असंवैधानिक बताया था। कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए साफ तौर से कहा कि मंदिरों का स्वामित्व मंदिरों के पास रहेगा, सरकार के केवल मंदिरों का मैनेजमेंट करेगी।
बता दें राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर रही थी और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। याचिका में यह भी कहा गया है कि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा चारधाम व 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के आर्टिकल 25 व 26 का उल्लंघन है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रभावित धार्मिक स्थानों पर मंदिरों के पुजारियों में भारी रोष पैदा हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पूर्व में कुछ अन्य राज्यों ने भी इस तरह के निर्णय देवस्थानम अमित को खत्म करने की मांग की है। कोर्ट ने एक्ट की वैलिडिटी को अपील कर दिया है सब्जेक्ट टू सर्टेन चेंज इन सेक्शन 22। कोर्ट ने सेक्शन 22 को ये चेंज उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया है और जो कि एक्ट में एक प्रावधान था कि बोर्ड की में जो प्रॉपर्टी है चार धाम की वो बोर्ड में डिवॉल्व करेगी। क्या आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 31 ए का कोई वायलेशन नहीं है इस एक्ट में। बाकी जो भी हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा था उस सबको कोर्ट ने अपने जजमेंट में नोट किया है और उस बेसिस पे एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया है और ये सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। और इस बीच वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के.न्यूज़ खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब, बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मॉनसून जोर पकड़ने लगा है तो उसी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें हाल ही में देहरादून में एक दीवार गिरने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई थी, तभी से देहरादून का नगर निगम और जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो जिला देहरादून के अंदर निराशु भवन है ऐसे निराशु भवनों को गिराने के आदेश नगर निगम व नगर पालिकाओं को दे दिए गए हैं। जो भी ऐसे भवन हैं उनको तुरंत चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। अभी कुछ भवनों पर कार्रवाई की गई है, साथ ही सभी SDM को भी निर्देश दिया गया है कि जहां भी नगर निगम या नगर पालिका आपसे मदद चाहते हैं तो वो उनको उपलब्ध कराई जाए। अमल में लाई जाए, एक दो जगहों पर अभी कार्रवाई शुरू भी हो गई है नगर निगम देहरादून के अंदर, और इन सारे लोगों को चिन्हित किया जाए और अगर कहीं कोई ऐसी बाधा उसको गिराने में आ रही हो तो इमीडिएटली बताया जाए जिससे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर उसमें कार्रवाई की जा सके। और दूसरा, इसमें सभी SDMs को भी निर्देशित किया गया है कि अगर जो नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं जैसे ही आपसे वांछित मदद चाहती हैं, जो भी आपसे अपेक्षित है, वो सभी सहूलियत उनको उपलब्ध कराएं। सीएम रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में रेल विकास निगम के अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। आपको बता दें 125.20 किलोमीटर के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं जिसमें कुल 105.47 किलोमीटर में 17 टनल बनाए जा रहे हैं। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
एक सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि 5 में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 3 प्रमुख रेलवे ब्रिज पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिन 3 ब्रिज पर कार्य भी शुरू हो गया है उनमें चंद्रभागा नदी पर 300 मीटर का ब्रिज, लछमोली में अलकनंदा नदी पर 275 मीटर का ब्रिज, श्रीनगर में अलकनंदा पर 450 मीटर का ब्रिज शामिल है। यह रेल लाइन लगभग 122 किलोमीटर की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रेल लाइन उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं कृषि बागवानी एवं स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भी मददगार साबित होगी। इस मौके पर रेल विकास निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हिमांशु बडोनी, एडिशनल जनरल मैनेजर विजय डंगवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार, विकास बहुगुणा आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में रात से हुई भारी बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। बंगापानी तहसील के गेला टांगा में बादल फट गया। बादल फटने से एक मकान ढह गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश होने की वजह से पिथौरागढ़ जिले के सभी नदी नालों के रुद्र रूप ले लिया है। नदियों में आई तेज हवा के कारण कई सड़कें बह गई और कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। हालात गंभीर देखते हुए SDRF आपदा प्रबंधन टीम और SDM घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं तो वहीं ग्रामीण द्वारा राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक मलबे में एक शव को निकाला जा चुका है। कल रात बादल फटने से गेला में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और वहां पर स्थानीय युवाओं के द्वारा जो है अभी रेस्क्यू चल रहा है। टांगा गांव में भी बादल फटने से जो है वहां पर कुछ लोग मिसिंग है और वहां पे भी स्थानीय लोगों के द्वारा ही रेस्क्यू किया जा रहा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ मुख्यारी आपदा दृष्टि से बहुत संवेदनशील जगह है, यहाँ पे NDRF की तैनाती होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर डोईवाला से है जहां बाजार में लागू होने वाली साप्ताहिक बंदी इस बुधवार को नहीं रहेगी क्योंकि कोविड के कारण शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहने के कारण बुधवार को साप्ताहिक बंदी से मुक्त रखा गया है। वहीं व्यापारियों ने डोईवाला के एग्जाम तक शिवराज चौहान से मांग की थी कि पूर्व में 2 दिन बंद रहने के कारण बाजार को साप्ताहिक बंदी से मुक्त रखा जाए तो वहीं ATM लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन ने व्यापारियों को साप्ताहिक बंदी से मुक्त रखते हुए बुधवार को बाजार खुला रखने के आदेश दे दिए हैं। यहाँ पे जैसे डोईवाला क्षेत्र में बुधवार को साप्ताहिक बंदी का निर्णय लिया गया था पहले, लेकिन अब शासन द्वारा शनिवार और रविवार को 2 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए कि जो साप्ताहिक बंदी का जो पहले जो निर्धारित दिन था वो नहीं रहेगा, केवल शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। और इस बीच वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की छड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया
देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में हो रही तेज बारिश के चलते खौफनाक मंजर की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा ही एक तस्वीर विकास नगर तहसील के जुद्दो से लखवाड़ के बीच कई जगह सड़क पर भारी मलबा आने से पुल का नुकसान हुआ है और रास्ता भी बाधित हो गया है। आप देख सकते हैं पहाड़ों और लगातार हो रही बारिश से तेज बहाव से किस तरह पहाड़ों से मलबा आ रहा है और वहीं जुद्दो के पास 4 से अधिक घरों का खतरा मंडरा रहा है। कई खेतों को नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। अब करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान केदारनाथ धाम का प्रसाद श्रद्धालुओं को घर बैठे मिलेगा, जिसके लिए कवायद तेज हो गई है। और जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम नहीं आ सकते हैं उनके लिए ये खुशखबरी है, उन्हें भी भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद प्रसाद स्वरूप मिलेगा। आपको बता दें उन्नति स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित प्रसाद के विपणन की ऑनलाइन बिक्री को लेकर विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी ने ई कॉमर्स साइट ऑनलाइन प्रसाद डॉट का शुभारंभ कर दिया है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला मिशन प्रबंधन इकाई रुद्रप्रयाग के तत्वाधान में महिलाओं की आजीविका संवर्धन के लिए उन्नति स्वयं सहायता समूह द्वारा हिलांस को केदारनाथम प्रसाद को निर्मित किया जा रहा है, जिसमें 8 चौलाई के लड्डू, बेलपत्र, हवन सामग्री, रुद्राक्ष भस्म और बद्री केदार काज होगा। बता दें कि इस साल कोविड महामारी के चलते यात्रा बाधित हुई है, जिस कारण समूह की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए विकास भवन में खुद सहायता समूह द्वारा निर्मित हिलांस केदारनाथ प्रसाद की ऑनलाइन विपणन का शुभारंभ किया गया। सीएम रावत ने आज अपने गृह क्षेत्र सतपुली का दौरा किया। सीएम ने आकर कई सौगातें क्षेत्र के लोगों को दी हैं। सीएम ने राजकीय महाविद्यालय सतपुली का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगले 10 महीने में इसका निर्माण पूरा होना है। सतपुली में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण से ग्रामीणों को उच्च शिक्षा के मामले में काफी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए उन्हें क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस शिलान्यास के मौके पर मौजूद थे। धन सिंह रावत के मुताबिक इस महाविद्यालय के बनने में 330 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उच्च शिक्षा विभाग इस महाविद्यालय को जल्द से जल्द तैयार कराने की कोशिश करेगा, ताकि अगले साल यहां एडमिशन हो सके और स्थानीय लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके। मुझे काफी लंबे समय से भूमि की तलाश थी महाविद्यालय के लिए और वो भूमि उपलब्ध नहीं कर पाई हो पाई। गांव के लोगों का मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी तमाम भूमि शिक्षण संस्थाओं के लिए दी है। मैं समझता हूँ कि 4 शिक्षण संस्थाओं के लिए गांव के लोगों के द्वारा अभी तक भूमि दान कर दी गई है, तो मैं उनका पहले तो बहुत धन्यवाद करता हूँ। लंबे समय से जो प्रतीक्षा थी उनको उन्होंने पूरा किया है। बाकी हम सब जानते हैं कि शिक्षा न्यू है किसी भी विकास के लिए, और महाविद्यालय यहाँ पर काफ़ी दूर यहाँ से महाविद्यालय था जो पहले उसके लिए भूमि चयन की गई थी, वहाँ पैदल भी जाना पड़ता था और वो भूमि पूरी भी नहीं मिल पाई, निर्माण भी वहाँ पर नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों को सुविधा होगी, चारों तरफ से सड़कें भी हैं, नज़दीक भी हैं, इधर कॉलेज भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, तो बच्चों को से पढ़ाई में सुविधा होगी। हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छी शिक्षा यहाँ पर बच्चों को।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए हैं। पहाड़ में अचानक आए मलबे से कई घर दब गए और साथ ही पानी के बहाव में कई लोगों के बहने की भी खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक यहां 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग लापता हैं। मौसम विभाग की माने तो यहां अगले 2 दिनों तक भारी बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। देहरादून में आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशाओं के द्वारा कम्युनिटी सर्विलांस का काम लगातार जारी है। अप्रैल माह से देहरादून में कम्युनिटी सर्विलांस किया जा रहा है, जिसमें आशाओं को कंटेनमेंट जोन में सर्विलांस करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स अन्य जगहों पर घर घर जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रही हैं। अभी तक देहरादून जिले के भीतर 2.5 लाख से अधिक घरों में कम्युनिटी सर्विलांस किया गया है, जिसमें करीब 12.5 लाख लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। देखिए, जो हमारा सर्विलांस है वो कंटिन्यूअस चल रहा है और हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर और आशा कार्यकर्तियां हैं वो दोनों ही इन काम को कर रही हैं। आशा हमारी कंटेनमेंट जोन में ये काम कर रही हैं और आंगनवाड़ी वर्कर रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रही हैं और काफी तेजी से काम हो रहा है और हमारा जो पहला राउंड है वो समाप्त हो चुका है और दूसरा राउंड जो सर्विलांस का है वो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सप्ताह में समाप्त होगा और उसके बाद हम तीसरे राउंड के ऊपर जो है अपने सर्विलांस पे चलेंगे। तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा। खबरों का सारथी, एक बुलेटिन में हर खबर देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे जुड़िए संसार से, हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Literacy School, Unnao, No. 1 in academics, No. 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Literacy School, Unnao.